ठीक हो तुम लोग? हाँ भैया, आप कहाँ से आए हैं? अरे ओ भगवान, अजय समूह वाले तुमको नहीं बोल रहे, तुम बैठ जाओ। हाँ भैया, नमस्कार भैया, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से है? अच्छा, बीजेपी कार्यालय से आए हैं बिहार से? अच्छा, जहाँ 75 भाजपाइयों को जो कोरोना हो गया वहां से आए हैं आप? अरे भैया को सैनिटाइजर दो। भैया कोरोना हुआ है, कोई बात नहीं भैया। अरे सुनो, थाली ताली भी लाओ। भैया कोई बात नहीं, आपकी सेवा की जाएगी अच्छे से। हाँ घंटी बजाओ, दिए भी करो। तो भैया ये बताइए कि अब 75 जो है, एक साथ 75 भाजपाइयों को कोरोना हो गया, तो अब आपको क्या कहेंगे? बदली की जमात कहेंगे या भाजपाई जमात पार्टी कहेंगे? नहीं नहीं भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि ये एक विषय है, एक मुद्दा है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया था, तो अब आप लोग को पता चला। पता चला कि कैसा लगता है? क्या है कि भैया कोरोना जो है ना, वो जात पात पूछ कर नहीं होता है। और आपको कोरोना हुआ है भैया, तो बाकी जनता जो है वो तो बहुत परेशान है कोरोना से, ठीक। लेकिन जितने भाजपाई है जिनको कोरोना हुआ है, उनको तो भाई प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए। ये तो पिताजी की तरफ से प्रसाद है ना। क्यों भैया, आप भी तो गए होंगे नमस्ते ट्रंप करने। तब आपने नहीं सोचा कि कितनी बड़ी मुसीबत आप ला रहे हो भारत में? सोचा आपने? हाँ अरे कोई बात नहीं भैया, चाय पियेंगे? अरे हाँ, चाय पर चर्चा हो रही है, चाय तो पियेंगे ना आप? हाँ हाँ पियेंगे, चाय तो आपकी प्रिय होगी है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चाय दो भैया को। चीनी कितनी लेंगे? अरे भैया, अरे सुनिए, चीनी कहा हमने? अरे वो शक्कर चीनी, चीन वाला चीनी नहीं। इतना डरते कहा है भैया आप? चीन के नाम से आप भी डरते हैं, और जो माननीय मोदी जी है वो भी नाम नहीं लेते हैं, चीनी के नाम से एकदम भाग रहे आप। क्या बात है भैया, बिहार में जो है ये 263 करोड़ का जो है पुल बना था हमने सुना, और बह गया विकास एक महीने में ही। विकास बह जा रहा है, विकास का एनकाउंटर हो रहा है, विकास मर जा रहा है। क्या हो गया आपके विकास को मोदी जी? विकास बह गया एक महीने में, 263 करोड़ बह गए पानी में। और वहां मध्य प्रदेश के गुना में जो गुना हो रहा है, 2 लाख रुपए कर्जा लेकर बेचारा एक दलित मारा जा रहा है। इतना अत्याचार, दलित रो रहा है, करगर रहा है कि भैया रुकिए, मुझे फुर्सत थोड़ी दे दीजिए, मेरी फसल पक जाए उसके बाद आप जमीन ले लीजिएगा। हाँ तो मध्य प्रदेश के गुना में जो गुनाह करवा रहे श्रीमंत महाराज माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, नाम इतना बड़ा इनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूरा लग रहा है जिला जवार का नाम है। अब साम्राज्य में जो इतना सारा गुनाह हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा जी? और कहां गई वो आवाज, कहां गई वो आवाज कि भाइयों और बहनों, मेरे दलित भाइयों पर अगर कोई अत्याचार करे तो मुझे गोली से मार देना, गोली से उड़ा देना। हा? कहां गई वो आवाज? ए भैया गोली, गोली लाओ, गोली है भैया, लायो बंदूक। हाँ मजाक हो रहा है जनता के साथ? देखा आपने वो वीडियो कैसे बच्चे रो रहे हैं, वो लोग अपना बेचारे जहर पी लिए जमीन के लिए। ऐसे करोगे विकास आप मोदी जी? इतना रुलाओगे जनता को? आपको तो पता ही होगा भैया, आपसे भी कह रहे हैं, आपको पता ही होगा कि फोर्ब्स पत्रिका में भी छपा है कि 42 वर्षों में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गिर गई मोदी जी के कार्यकाल में। ये सब जवाब कौन देगा, कौन देगा ये सब जवाब जनता को? कानपुर जो कांडपुर बना हुआ है, उसके तो कांड रुकी नहीं रहे हैं।
एक परिवार का बेटा अपहरण कर लिया जाता है, फिर 30 लाख की फिरौती मांगते हैं, और फिर पुलिस कहती है कि 30 लाख दे दो, परिवार को कहती है 30 लाख दे दो हम पकड़ लेंगे, और 30 लाख लेके भी फुर हो जाते हैं पुलिस के नाक के नीचे से। हाँ, कितना बनाओगे कांडपुर? हाँ भैया, कितना सताओगे जनता को? सरेंद्रनाथ ठगोर जी जो है, सरेंद्रनाथ ठगोर जी, हाँ, बंगाल के चुनाव तक जो है बंगाली भाइयों का मन अचान भालो, हाँ, मोदी जी बन जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। लुक देख रहे इनका भैया, अब तो लुक देख ही रहे होंगे। भैया के लिए थाली ताली बजाओ, कोरोना हुआ है भैया को, भैया बहुत मजाक उड़ाए थे सब लोग, और वो पत्रकार सब लोग, हाँ, जमाती लोग कोरोना ला रहे हैं, 75 जो है भाजपाइयों को कोरोना हो गया। भैया बुरा लग रहा है ना? क्या हाल होता होगा जनता का भैया, क्या हाल होता होगा? और वो एक वो नेपाली चौकीदार जो है, भारत के चौकीदार के नाक के नीचे से कह जा रहा है कि राम हमारा है, राम को ले जाएंगे, जमीन तो ले ही गए अपने, जो है नक्शे में बना ली उन्होंने जमीन का नाम जो है पूरा अच्छे से लेखा जोखा करके, तब कुछ कर नहीं पाए हमारे चौकीदार, राम पर कब्जा करेंगे। अब कहां गया वो हिंदुत्व वाला, श्री राम जय राम जय जय राम? कहेंगे नहीं कुछ, कुछ से नेपाल को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चीन का नाम लेंगे आप? हाँ क्या भैया, अरे कहां चल दिए? अरे पिताजी के बनाए हुए डब्बे शौचालय में बाद में जाइएगा, पहले ये सुनते जाइए, अब नहीं चलेगा ये सब। आपकी आवाज